हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस के अंदर नेक्स्ट लाइट रिएक्शन। तो पिछली क्लास में हमने जो फोटोसिंथेसिस पढ़ा था उसके अंदर हमने बात की थी लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, दो पार्ट में फोटोसिंथेसिस को बांटा था। तो जो लाइट रिएक्शन है उसके अंदर हमने और फर्दर उसका डिवाइडेशन किया साइक्लिक ईटीएस और नॉन साइक्लिक ईटीएस। जो नॉन साइक्लिक ईटीएस है उसका दूसरा नाम है जेड स्कीम, और हमने साइक्लिक ईटीएस को आज हम जो है उसको डिटेल से पढ़ेंगे, साइक्लिक ईटीएस एंड नॉन साइक्लिक ईटीएस जिसका दूसरा नाम है जेड स्कीम। हमें पता है कि जो फोटोसिंथेसिस है उसकी जो साइट है वो होती है क्लोरोप्लास्ट, यानी कि फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर चलता है। क्लोरोप्लास्ट में जो लाइट रिएक्शन है वो चलती है अपने ग्रेनम थाइलेकॉइड और इंटरग्रेना के ऊपर चलती है, और जो उसका स्ट्रोमा होता है जो खाली जगह होती है वहाँ पे चलती है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन के अंदर रूबिस्को एंजाइम काम करता है। तो अभी हम जो पढ़ेंगे वो है लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन कहाँ चलती है तो पहले उसको समझ लेते हैं। ये अपना क्लोरोप्लास्ट है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इसके अंदर सिक्के जैसी जो आकृति होती है उसको हम बोलते हैं ग्रेनम, ग्रेनम थाइलेकॉइड। एक के बाद एक जब ग्रेना इकट्ठा हो जाता है उसको बोलते हैं ग्रेना थाइलेकॉइड। ऐसे बहुत सारे ग्रेना थाइलेकॉइड क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं। दो ग्रेना थाइलेकॉइड को जोड़ने वाली स्ट्रक्चर को स्ट्रोमा थाइलेकॉइड बोलते हैं। इनके ऊपर होते हैं क्वांटासोम्स। क्वांटासोम्स जो ये वाली स्ट्रक्चर है और जो ये इंटरग्रेना है ना, ग्रेना थाइलेकॉइड और इंटरग्रेना, इन दोनों पे जो है वो लाइट रिएक्शन चलेगी। और जो ये खाली जगह है जो भी है इसको आप मैट्रिक्स बोल सकते हो या इसको स्ट्रोमा बोला जाता है। ये शब्द हमें याद रखना है कि जो क्लोरोप्लास्ट का खाली पार्ट होता है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा के अंदर कौन सी साइकिल चलेगी, डार्क रिएक्शन चलेगी। डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम है केल्विन साइकिल या C3 साइकिल। तो जो फोटोसिंथेसिस है उसको दो पार्ट में बांटा गया है, एक तो लाइट रिएक्शन और दूसरी डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को और दो पार्ट में बांटा गया है, साइक्लिक ईटीएस और नॉन साइक्लिक ईटीएस। नॉन साइक्लिक ईटीएस का दूसरा नाम है जेड स्कीम। तो हम आज लाइट रिएक्शन को कंप्लीटली कवर करेंगे, ठीक है। इसको वापस आते हैं, ये हमारी जो फोटोसिंथेसिस उसको लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में हमने बांटा है। हमें पता चल गया लाइट रिएक्शन ग्रेना और इंटरग्रेना पर चलती है, और डार्क रिएक्शन कहाँ पर चलती है, डार्क रिएक्शन चलती है स्ट्रोमा के अंदर। इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी हम इसको कवर करेंगे लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के दो पार्ट साइक्लिक ईटीएस और नॉन साइक्लिक ईटीएस का दूसरा नाम जेड स्कीम। तो पहले हम इसको पढ़ने वाले हैं जो साइक्लिक ईटीएस है। तो साइक्लिक ईटीएस के अंदर जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा दो प्रकार के पिगमेंट सिस्टम होते हैं, पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड। तो साइक्लिक ईटीएस में केवल एक ही पिगमेंट सिस्टम काम करता है, उसको हम कहते हैं पीएस फर्स्ट, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट। साइक्लिक ईटीएस में केवल एक ही पिगमेंट सिस्टम काम करता है जिसको कहते हैं पीएस फर्स्ट। पीएस फर्स्ट पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट 680 नैनोमीटर के तरंग दैर्ध्य के प्रकाश से ज्यादा के तरंग दैर्ध्य पर कार्य करता है। 680 नैनोमीटर से अधिक तरंग दैर्ध्य के प्रकाश पर कार्य करता है। हमें पता है कि जो लाइट स्पेक्ट्रम होता है वो 3000 से 7000 एंगस्ट्रम के बीच में होता है अनुमानित अबाउट, है ना। तो ये जो पीएस फर्स्ट है वो चलता है 680 नैनोमीटर से ज्यादा के तरंग दैर्ध्य पर। इसका मतलब पीएस फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर या साइक्लिक ईटीएस का रिएक्शन सेंटर P700 होता है। पीएस फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर P700 होता है, इसको हमें याद रखना है। जो साइक्लिक ईटीएस है उसका रिएक्शन सेंटर P700 होता है। तो पहला पॉइंट क्या सीखा हमने कि जो लाइट रिएक्शन है उसको दो पार्ट में बांटा गया है, साइक्लिक ईटीएस एंड नॉन साइक्लिक ईटीएस। जो साइक्लिक ईटीएस है उसमें केवल और केवल पीएस फर्स्ट चलता है, पीएस फर्स्ट 680 नैनोमीटर से अधिक तरंग दैर्ध्य के प्रकाश पर चलता है, और इसका अभिक्रिया केंद्र रिएक्शन सेंटर P700 होता है।
अब ये चलता गया, अभी हमने सीखा ग्रेना थाइलेकोइड और स्ट्रोमा थाइलेकोइड को हम कहते हैं इंटरग्रेना, जो दो ग्रेना को जोड़ने वाली जो स्ट्रक्चर है उसको इंटरग्रेना कह दो या स्ट्रोमा थाइलेकोइड कह दो, इन दोनों पर जो है साइक्लिक ETS चलेगा, ठीक है। फिर एक जब साइकिल कंप्लीट होगा, एक बार जब चक्रीय इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र का साइकिल कंप्लीट होगा तो दो ATP का फॉर्मेशन होता है, टू ATP फॉर्मेशन होता है। साइक्लिक ETS में इलेक्ट्रॉन का जो प्रथम ग्राही होता है वो फेरिडॉक्सिन होता है, FD, लेकिन आजकल नई NCERT में FRS फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस को भी हमने इलेक्ट्रॉन का प्रथम ग्राही माना है। इसका मतलब अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए, फेरिडॉक्सिन FD आ जाए और फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस FRS आ जाए, तो हमें ज़्यादा जो करेक्ट आंसर देना है वो है FRS फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। क्या प्रश्न आएगा, साइक्लिक ETS में इलेक्ट्रॉन का प्रथम ग्राही कौन होता है, तो फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ साइक्लिक ETS। अगर फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस ऑप्शन में नहीं है तो हमें भरना है फेरिडॉक्सिन। अब हम इसी चीज को हम साइकिल के फॉर्म में सीखेंगे, ठीक है। तो ये आपके साइक्लिक ETS का साइकिल है, जो इसका रिएक्शन सेंटर है वो है P700। साइक्लिक ETS का क्या है, रिएक्शन सेंटर ऑफ साइक्लिक ETS, जो चक्रीय इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र है उसका अभिक्रिया केंद्र P700 होता है, और इसके अंदर केवल PS फर्स्ट चलता है, और ये जो है 680 नैनोमीटर से अधिक तरंग दैर्ध्य के प्रकाश पर कार्य करता है। तो जो सोलर एनर्जी आ रही है, ये रिएक्शन सेंटर जिसमें क्लोरोफिल होता है, ये क्या करेगा, सोलर एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन इमिट करता है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, P700 से, क्योंकि ये इसका अभिक्रिया केंद्र है। पहले क्या माना जाता था, जो पहले इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है वो कर रहा है फेरिडॉक्सिन, लेकिन अब नई NCERT के अंदर फेरिडॉक्सिन नहीं होके फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस को इलेक्ट्रॉन का प्रथम ग्राही माना गया। तो साइक्लिक ETS में रिएक्शन सेंटर P700, यहां से इलेक्ट्रॉन चलेगा और जो इसका प्रथम ग्राही है वो है फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, फिर जाएगा फेरिडॉक्सिन में, फिर ये इलेक्ट्रॉन घूम कर आ जाएगा साइटोक्रोम B6 में। जब फेरिडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6, ये चैनल्स होते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ एक ATP का फॉर्मेशन होता है। देखिए ATP कैसे बनता है, ADP प्लस IP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इसके अंदर दो फॉस्फेट है, एक फॉस्फेट और जुड़ गया तो अब हो गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये न्यूक्लियोटाइड होता है, ये ध्यान रखना आप, इसको हम 11th क्लास में पढ़ेंगे, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है इसको 12th क्लास में पढ़ेंगे। ये जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट करेंसी ऑफ सेल बोला गया है, इसको कोशिका में ऊर्जा की मुद्रा, करेंसी ऑफ सेल ऑफ एनर्जी, कोशिका में ऊर्जा की मुद्रा ATP को बोला गया। हम वापस अपने टॉपिक पे आ रहे हैं, जो साइक्लिक ETS है उसमें इलेक्ट्रॉन P700 से चलेगा, जो इसका फर्स्ट एक्सेप्टर है, प्रथम ग्राही है, वो है फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, फिर जाएगा फेरिडॉक्सिन में, फिर यहाँ आएगा साइटोक्रोम B6 में, फेरिडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6 में एक ATP फॉर्मेशन होगा, फिर यह इलेक्ट्रॉन जाएगा साइटोक्रोम F में, तो साइटोक्रोम B6 से जब साइटोक्रोम F में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा तो यहाँ एक और ATP का फॉर्मेशन होगा, साइटोक्रोम F से जाएगा प्लास्टोसाइनिन, इसका नाम है प्लास्टोसाइनिन, ये कॉपर युक्त नीली क्रोमोप्रोटीन है ना, तो ब्लू क्रोमोप्रोटीन है जिसके अंदर कॉपर रिच होता है। PC से वापस जो घूम फिर के इलेक्ट्रॉन है कहाँ आ गया, रिएक्शन सेंटर P700 पे, तो इलेक्ट्रॉन जहाँ से चला था घूम फिर के वापस आ गया, इसीलिए इसको साइक्लिक ETS बोला गया। साइकिल में क्या होगा, एक चक्कर बनेगा, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला था घूम फिर के वापस आ गया, इसीलिए इसको साइक्लिक ETS
कहा जाता है। तो यहाँ से हमें क्या याद रखना है, पहला क्वेश्चन साइक्लिक ईटीएस में पीएस फर्स्ट चलता है केवल, और इसका रिएक्शन सेंटर कौन होता है, पी सांसो। कौन सी तरंग दैर्ध्य पर कार्य करता है, यह करता है 680 नैनोमीटर से अधिक प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर। इलेक्ट्रॉन का प्रथम ग्राही कौन होता है, फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, और यहाँ पे नीले कलर की ताम्र युक्त यानी कॉपर वाली प्रोटीन कौन सी होती है, वो होती है प्लास्टोसाइनिन। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब एक बार साइक्लिक ईटीएस चलता है तो कितने एटीपी का लाभ होता है या कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है, तो पूरी साइकिल में जब एक बार चलता है तो 2 एटीपी फॉर्मेशन होता है, इसको आपको याद रखना। ये आपका हो गया साइक्लिक ईटीएस कंप्लीट। लाइट रिएक्शन का जो पहला पार्ट है वो है साइक्लिक ईटीएस, दूसरा पार्ट जो है वो है नॉन साइक्लिक ईटीएस, जिसका दूसरा नाम है जेड स्कीम। अब हम उसको पढ़ते हैं। तो जो नॉन साइक्लिक ईटीएस है, जेड स्कीम है, इसके अंदर पीएस फर्स्ट के साथ पीएस सेकंड भी काम करेगा, पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों साथ साथ काम करेंगे, और यहां पे मिक्स वेवलेंथ चाहिए, 680 नैनोमीटर से अधिक तरंग दैर्ध्य का भी प्रकाश चाहिए और 680 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्ध्य का भी प्रकाश चाहिए। मिक्स वेवलेंथ के अंदर काम करेगा, पीएस फर्स्ट पीएस सेकंड दोनों काम करेंगे। तो यहाँ पे जो रिएक्शन सेंटर है वो P700 नहीं है, P700 साइक्लिक ईटीएस में, नॉन साइक्लिक ईटीएस में रिएक्शन सेंटर अभिक्रिया केंद्र P680 होता है। तो हम ये टॉपिक देखते हैं, सबसे पहले इसके अंदर पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों काम करते हैं, और इसका जो अभिक्रिया केंद्र है जेड स्कीम नॉन साइक्लिक ईटीएस का वो होता है P680। जब ये एक बार जेड स्कीम चलेगी तो उसके अंदर 2 NADPH2 का फॉर्मेशन होगा और 1 ATP का फॉर्मेशन होगा। ये NADPH2 क्या है, 1 NADPH2 के अंदर 3 ATP होते हैं, ये समझ लो आप, 3 ATP के बराबर पावर 1 NADPH2 के अंदर होता है। तो जब एक बार नॉन साइक्लिक ईटीएस या जेड स्कीम चलेगी तो 2 NADPH2 और 1 ATP का फॉर्मेशन होगा। साथ में हमने जब ये इंट्रोडक्शन सीखा था तो हमने बात की थी कि जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है उसके अंदर ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट निकलता है, तो वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है, वो आती है वाटर मॉलिक्यूल से। तो जो जेड स्कीम है नॉन साइक्लिक ईटीएस, इसमें एक साइकिल में जल के 4 अणु का प्रकाश अपघटन होगा। सबसे पहले ये किसने बताया था, वान लील ने। तो 4 अणु जल का प्रकाश अपघटन होगा और 1 अणु क्या बनने वाली है, ऑक्सीजन बनने वाली है। साथ में देखो जेड स्कीम के अंदर इलेक्ट्रॉन का प्रथम ग्राही होता है फियोफाइटीन, इसको शॉर्ट में इस तरीके से लिखेंगे। तो जेड स्कीम या नॉन साइक्लिक ईटीएस में इलेक्ट्रॉन का प्रथम ग्राही कौन होता है, फियोफाइटीन, और इसके अंदर दोनों चलते हैं पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड। तो जेड स्कीम के अंदर पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड को जोड़ने वाला कौन होता है, योजक कड़ी। तो जेड स्कीम में पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड को जोड़ने वाला होता है प्लास्टोसाइनिन, पीसी। तो जेड स्कीम में हमें क्या याद रखना है, इसके अंदर पीएस फर्स्ट पीएस सेकंड दोनों साथ चलते हैं, मिक्स वेवलेंथ चाहिए 680 नैनोमीटर से ज्यादा और 680 नैनोमीटर से कम वेवलेंथ की लाइट चाहिए। इसका रिएक्शन सेंटर P680 होता है, 680 होता है रिएक्शन सेंटर। एक बार जब जेड स्कीम चलेगा नॉन साइक्लिक ईटीएस चलेगा तो 2 NADPH2 और 1 ATP का फॉर्मेशन होगा, 4 अणु जल का प्रकाश अपघटन होगा और 1 अणु ऑक्सीजन का बनेगा, 4 अणु जल का प्रकाश अपघटन होगा और 1 अणु ऑक्सीजन का बनेगा। जेड स्कीम में इलेक्ट्रॉन का प्रथम ग्राही होता है फियोफाइटीन, फियोफाइटीन, और यहाँ पे पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक होती है वो होती है पीसी, प्लास्टोसाइनिन। इसी को अब हम एक लाइन डायग्राम के फॉर्म में इसी को समझेंगे। यहाँ देखिए हमने लाइन डायग्राम बात की है, ये वाला जो है हमने साइक्लिक ईटीएस में पढ़ा है ये होता है पीएस फर्स्ट, और लेकिन ये यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, इसका रिएक्शन सेंटर कौन होता है, P680। तो जो नॉन साइक्लिक ईटीएस या जेड स्कीम है उसका रिएक्शन सेंटर होता है, रिएक्शन सेंटर P680। यहाँ से ये सोलर एनर्जी लेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा,
तो जो इलेक्ट्रॉन का प्रथम ग्राही होता है, फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का प्रथम ग्राही होता है वो होता है फियोफाइटिन, फियोफाइटिन। अब फियोफाइटिन आजकल मिलता नहीं एनसीईआरटी में, लेकिन पहले प्लास्टोक्विनोन को माना जाता था ओल्ड एनसीईआरटी में, प्लास्टोक्विनोन इसको माना जाता था। तो हमें क्या याद रखना है कि जो रिएक्शन सेंटर है जेड स्कीम का वो होता है P600C, यहाँ से इलेक्ट्रॉन सबसे पहले चलेगा और इसका फर्स्ट एक्सेप्टर होगा फियोफाइटिन, फियोफाइटिन के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, प्लास्टोक्विनोन में, प्लास्टोक्विनोन से जाएगा साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B6 से इलेक्ट्रॉन जाएगा साइटोक्रोम F, साइटोक्रोम F से जाएगा प्लास्टोसाइनिन PC। अभी आपको ये मैंने बोला था कि जो प्लास्टोसाइनिन PC है वो PS फर्स्ट और PS सेकंड, उधर चल रहा है PS फर्स्ट, इधर ये चल रहा है PS सेकंड, PS फर्स्ट और PS सेकंड दोनों को जोड़ने वाला जो है कनेक्टिंग लिंक वो है प्लास्टोसाइनिन। पीसी के बाद ये इलेक्ट्रॉन जाएगा रिएक्शन सेंटर P700 में, P700 से फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, फिर जाएगा फेरिडॉक्सिन में, यहाँ से इलेक्ट्रॉन सारे इकट्ठे होंगे और एक चैनल प्रोटीन होती है फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम समझ लो इसको, यहाँ पे ये चार इलेक्ट्रॉन लेगा। अब यहाँ साथ साथ में क्या प्रोसेस चल रही है, यहाँ पे चल रहा है अभी फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर यानी जल का प्रकाश अपघटन शुरू हो चुका है। तो यहाँ जल के चार अणु का प्रकाश अपघटन होता है, 4H2O अलग होगा और 4H2O अलग होगा उसमें से चार प्रोटीन निकलेंगे और चार OH आयंस निकलेंगे, ये चार जो प्रोटॉन है ये जाएंगे इस रिएक्शन के अंदर और ये चार इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे हैं, चार प्रोटॉन इधर से आ रहे हैं, चार इलेक्ट्रॉन और चार प्रोटॉन मिलकर NADP को कन्वर्ट कर देंगे NADPH2। इसका मतलब हो क्या रहा है, साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F में जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो एक ATP तो यहां बनता है और यहां पे चार इलेक्ट्रॉन और जल के प्रकाश अपघटन से चार ऑक्सी चार प्रोटॉन दोनों मिलकर दो NADP के मॉलिक्यूल को दो NADPH2 में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि एक बार जब जेड स्कीम चलती है तो दो NADPH2 और एक ATP का फॉर्मेशन होता है, जब एक बार ये चलता है तो दो NADPH2 और एक ATP का फॉर्मेशन होता है एक साइकिल के अंदर, क्योंकि जहां से ये इलेक्ट्रॉन चला था वहां घूम फिर के वापस इलेक्ट्रॉन या नहीं आया, इसीलिए इसको नॉन साइक्लिक ETS बोलते हैं, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन चला था और ऐसे चलता हुआ इसके अंदर गया और वापस इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आया, इसीलिए इसको नॉन साइक्लिक ETS बोलते हैं। और यहाँ देखो जेड जैसी आकृति बन रही है ना, ऊपर ऐसे और फिर ऐसे, इसीलिए इसको जेड स्कीम भी बोला गया है। यहाँ पे चार अणु का क्या हो रहा है, जल के अणुओं का प्रकाश अपघटन जिससे चार प्रोटोन इसके अंदर जा रहे हैं और दो NADPH2 बन रहे हैं। एक बार जब जेड स्कीम चलती है या नॉन साइक्लिक ETS चलता है तो दो NADPH2 और एक ATP का फॉर्मेशन होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। और साथ में हमें क्या याद रखना है, चार जो वाटर के मॉलिक्यूल है उनका फोटोलाइसिस होगा, प्रकाश अपघटन होगा और यहाँ से ऑक्सीजन निकलने वाली है, इसका और आगे टुकड़ा होगा और यहाँ पे एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनेगा, चार अणु जल के प्रकाश अपघटन से एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है और यहाँ से प्रोटॉन इस चैनल के अंदर जाएंगे और दो NADP को कन्वर्ट कर देंगे दो NADPH2 के अंदर। तो हमने क्या सीखा, लाइट रिएक्शन के दो पार्ट है, साइक्लिक ETS और नॉन साइक्लिक ETS। साइक्लिक ETS को साइक्लिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि जहाँ से इलेक्ट्रॉन चलता है घूम फिर के वही आ जाता है, नॉन साइक्लिक ETS में जहाँ से इलेक्ट्रॉन चलेगा वहाँ नहीं आने वाला है। साइक्लिक ETS में कितने ATP फॉर्मेशन होते हैं, एक साइकिल में दो, नॉन साइक्लिक ETS में एक ATP और दो NADPH2 का फॉर्मेशन होता है। चार अणु जल का प्रकाश अपघटन से एक अणु ऑक्सीजन बनती है, ये अपने को याद रखना है। साइक्लिक ETS में इलेक्ट्रॉन का प्रथम ग्राही कौन होता है, फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, और नॉन साइक्लिक ETS में इलेक्ट्रॉन का प्रथम ग्राही फियोफाइटिन, और साइक्लिक ETS में केवल PS फर्स्ट चलता है,
नॉन साइक्लिक ईटीएस में पीएस फर्स्ट पीएस सेकंड दोनों साथ चलते हैं। साइक्लिक ईटीएस का जो रिएक्शन सेंटर है वो होता है P700 और नॉन साइक्लिक ईटीएस का रिएक्शन सेंटर होता है P680। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आपके जो एग्जाम है एनुअल उसके अंदर ये भी आ सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक ईटीएस एंड नॉन साइक्लिक ईटीएस। चक्रीय इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र और अचक्रीय इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र के बीच अंतर लिखिए। तो जो मैंने अभी डिस्कस किया वो आपके डिफरेंस वाले पॉइंट हो गए। तो हमारी लाइट रिएक्शन इसी प्रकार से कंप्लीट होती है। थैंक यू।